अच्छा मुक्त भारत अभियान जो है उसके तहत यहाँ पर जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, आशा थी, और जितने भी बाहर से और पब्लिक के सोशल वर्कर्स थे, तो आई सोसाइटी मेंबर्स थे, एक यहाँ पर डिटेल हमारी मीटिंग भी हुई, उसके बाद एक रैली भी हमने यहाँ हॉस्पिटल से बस स्टैंड तक और बस स्टैंड से वापस हॉस्पिटल तक निकाली, और रैली का स्लोगन यही था, से नो टू ड्रग्स, कोई भी नशा नहीं करना है। जो भी लोग नशा करते हैं, मैं आप जन के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें हेल्थ सेहत की भी खराबी है और वेल्थ घर का पैसे की भी बर्बादी है। वो पैसा आप एजुकेशन पर लगा सकते हैं और किसी काम पर लगा सकते हैं, तो इससे सेहत की भी खराबी है, और घर में जो पैसा नहीं होता है तो जो ड्रग अब्यूज हो जाता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है, वो चोरी और कामों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में उस घर का, उस फैमिली का नाम भी बदनाम होता है, और साथ में कभी कभी डोमेस्टिक जो वायलेंस, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी अपील करूंगा सभी पब्लिक को कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, और कहाँ दिन को जाते हैं, क्या करते हैं, शाम को उनको पूछें, और अगर ऐसे मैंने आशा को, हेल्थ वर्कर को कहा गया है कि वो पंचीज हमारे होनेबल डी डी सी हैं, बी डी सी हैं, पंचीज हैं, सोशल सोसाइटीज के आला लोग हैं, उनसे रब्ता करें, और ऐसे जो एडिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें ताकि उनको मोटिवेट करें, तो वो ताकि उनको इससे छुटकारा मिले। तो अगर कोई ज़्यादा एडिक्ट है तो उसको डी एडिक्शन सेंटर में भेजेंगे हम, तो इस वबा को हम देश से ख़त्म करना है।